हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ रिसेप्शन मेकअप ट्यूटोरियल जो कि बहुत ही ग्लैमरस है दिस इज़ नॉट सिंपल एट ऑल एंड थोड़ा सा मैंने ज्वेलरी भी यूज़ किया है कम्प्लीट लुक देने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं एज़ आई ऑलवेज़ प्रिपेयर माई स्किन एंड आई एम यूजिंग बायोटिक मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है एंड जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है उसके बाद मैं यहाँ पर प्राइमर यूज़ कर रही हूँ मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ इस पर भी कर रही हूँ आप ध्यान से सुनिए प्राइमर क्या करता है प्राइमर स्किन को प्रोटेक्ट करता है पोर्स को मिनिमाइज करता है और एक स्मूथ सरफेस क्रिएट करता है उसके बाद मैं यहाँ पे लिप्स पे लिप कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ ट्रांसपेरेंट है ये क्योंकि लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं विंटर पे तो लिपस्टिक फट जाती है उसके ऊपर उसके बाद मूव ऑन टू द आई मेकअप एंड आई एम यूजिंग लॉरियल का इन्फेलेबल कंसीलर एज अ आई बेस इफ़ यू डोंट हैव यू कैन यूज़ आई प्राइमर ऑल्सो बट ये बहुत ज़रूरी है ये आई बेस यूज़ करना उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लैक नॉर्मल पेंसिल एज अगेन यू नो आई बेस आई बेस एज इन की नॉट टू होल्ड द आई मेकअप बट इसके ऊपर हम कोई भी कलर यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा इंटेंसिटी आता है तो थोड़ा सा स्मोक आउट एक स्मोकी लुक की तरह भी आ जाता है एंड यहाँ पे मैंने मोरफी का पैलेट यूज़ किया है गाइज़ मैं थोड़ा सा जल्दी एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज आप मेरे बाकी के वीडियोज़ भी देख सकते हैं इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लर्न द मेकअप एंड कम इन टू दिस फील्ड यहाँ पे मैंने लाइट और डार्क ब्राउन का कॉम्बिनेशन यूज़ uh, किया है एंड टूल्स भी आप नोटिस करिए मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ और जब भी मैं ये शाइनी आई शेडो यूज़ करती हूँ ये भी मॉर्फी का ही है मैं फिंगर टिप से ही सजेस्ट करूँगी बिकॉज़ इससे अच्छा बढ़िया एप्लीकेटर कोई भी नहीं हो सकता और इसके ऊपर मैं जो ग्लीटर यूज़ कर रही हूँ गाय ये ग्लीटर नहीं है ये पिगमेंट है तो मैंने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आप लोगों को डिफरेंस भी दिखाया है वो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको डिफरेंस पता चले दैन uh, काजल बहुत लोगों को सूट नहीं करता uh, कई लोगों को सूट करता भी है बट इस लुक के लिए मैं काजल ही रिकमेंड करूँगी बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट शुड लुक मोर ग्लैमरस तो काजल के बिना थोड़ा सा यू नो ब्लैंक ऑफ चला जाता है लुक और मैंने यहाँ पे आईब्रोज़ को बहुत अच्छे से ग्रूम एंड सॉफ्ट आर्च क्रिएट किया है बट इफ़ यू यू नो है गुड आईब्रोज ये भी आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं बट यू जस्ट एड द कलर्स एंड ग्रूम दैम मतलब अच्छे से आप स्पूली ब्रश से कोम कर लीजिए उतना काफ़ी है देन जो मैंने यहाँ पे लैशेज यूज़ किया है ये है यूरोप गर्ल का आई लैश है दे आर वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी गुड मिंक आई लैशेज नेचुरल हेयर के लैशेज होते हैं और मैं यहाँ पे अपने बेस के लिए मैंने यहाँ पे स्टूडियो स्कल्प फाउंडेशन चूज़ किया है जो कि मैक कॉस्मेटिक्स का है और ये फाउंडेशन फुल कवरेज है ये फाउंडेशन विंटर्स के लिए बहुत अच्छा होता है नॉट ओनली विंटर जिनके ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन है या फिर जिनको ग्लोई बेस पसंद है उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया है तो गाइज़ इफ़ यू वॉन्ट समथिंग फुल कवरेज तो यू कैन शड ट्राई दिस फाउंडेशन फ्रॉम द मैक कॉस्मेटिक्स एंड कलर्स आपको इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे मैंने यहाँ पे एन सी फोर्टी टू यूज़ किया है जो कि क्लोज़ टू माई स्किन कलर है बट इफ़ यू नीड अ लाइट स्लाइटली लाइटर दैन दिस दैन यू कैन गो फॉर एन सी फोर्टी और यहाँ पे मैंने यहाँ ब्लशर यूज़ किया है जो कि ये भी मैक कॉस्मेटिक्स का ही है थोड़ा सा मैंने पिंक ही रखा है अपने चीक्स को बट आई डोंट वांट टू मच ऑफ पिंक आल्सो एंड ब्लशर्स आर समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल चॉइस बट स्टिल कम्प्लेक्शन के हिसाब से भी होता है कई बार अगर आपके कंप्लेक्शन थोड़े से डार्क है तो आप प्लीज़ पिंक ब्लशर यूज़ मत करिए बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा कलर आउट आउट ऑफ द बॉक्स चला जाता है और एज़ यू कैन सी इन द वीडियो मैंने यहाँ पे कंटूरिंग भी क्रीम कंटूरिंग ही किया है एंड जो मैं जो वाइट वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ कंटूरिंग के बीच में दैट इज़ अ हाइलाइटर और राइट वो हाइलाइटर यूज़ करने से कंटूरिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इनहेंस हो जाता है एंड कंट्रोलिंग uh, के लिए मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाया है आप uh, मेरे वीडियोस में जाके चेक करिए स्पेशली वहाँ पे सिर्फ कंटूरिंग को मैंने इन्हेंस uh, किया है दिखाया है वीडियो को एक्सप्लेन किया है एंड यहाँ पे मैं नोज़ को भी कंटूर कर रही हूँ यूजुअली मैं नोज़ को करती नहीं हूँ बट ये जो रिसेप्शन मेकअप है ये थोड़ा सा ग्लैमरस मेकअप होता है इवनिंग मेकअप होता है तो इसमें मैं मैंने नोज़ को भी कंटूर किया है और जो हाइलाइटर है बी केयरफुल बहुत लोग हाइलाइटर को पूरे गाल पे लगा के ऐसे चमका देते हैं एंड यू नो द चीक्स लुक्स वेरी हैवी तो डू नॉट अप्लाई ऑन द एंटायर चीक्स आपको सिर्फ़ चीक बोन पे ही यूज़ करना है और राइट देन मैंने लिप पेंसिल के लिए यहाँ पे मैंने ब्राउन लिप पेंसिल यूज़ किया है और ये जो ब्राउन है थोड़ा सा यू कैन से इट्स काइंड ऑफ रेडिश ब्राउन थोड़ा सा रेड वार्म अंडर टोन है इसमें और uh, इसी लिप पेंसिल को पूरे लिप्स पे फिल किया है और जो लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ वेरी गुड लिपस्टिक एक्चुअली ये uh, जो लिपस्टिक है पाउडर किस लिपस्टिक इसको बोलते हैं ये ड्राई लगता है बट वैन यू अप्लाई इसका टेक्सचर बिल्कुल अलग होता है और uh, कलर भी बहुत प्यारा है इसके ऊपर मैंने ग्लॉस एड ऑन किया है आप कोई भी ग्लॉस यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा कोशिश करिए कि लिप्स को इसी तरीके का न्यूट्रल टू मीडियम ही रखे आप बहुत ज़्यादा यू नो लिप्स को ब्राइट मत करिए बिकॉज द एंटायर द मेकअप इज़ मोर ग्लैमरस और अगर आप लिप्स को बहुत ज़्यादा रेड या पिंक लाउड लग रखते हैं तो मेकअप बहुत ज़्यादा ओवर लगता है तो यहाँ पे मैंने बहुत ही यूजफुल जिसको कहते हैं कि बहुत ही फ्रेंडली मेकअप किया है एनी वन कैन कैरी दिस मेकअप विद देयर गाउन या फिर इंडो वेस्टर्नस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं सो दिस इज़ माई कम्प्लीट मेकअप ट्यूटोरियल होप यू इंजॉय दिस मेकअप लुक एंड इफ यू डू प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी